आज पंजाब कांग्रेस में पूर्व मंत्री रहे हुए जलालाबाद के पूर्व विधायक मौजूदा जिला प्लानिंग बोर्ड फाजिलका के चेयरमैन हंसराज जोशन अपने गांव बंदीवाला में कांग्रेस का हाथ छोड़ अकाली दल के साथ अकाली दल पार्टी में चले गए। उनको अकाली दल पार्टी ज्वाइन कराने पंजाब अकाली दल के प्रधान व सांसद सुखबीर सिंह बादल अपने दल बल के साथ उनके पैतृक गांव बंदीवाला पहुंचे। वहां पहुंचकर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उनकी कोशिश है भी जिन जिन पार्टियों में हंसराज जोशन रूपी जैसे हीरे हैं उन सबको इकट्ठे कर अकाली दल में लाएं ताजो आने वाले समय में अकाली दल की सरकार बन सके। लेकिन जैसे ये अफवाह थी कि आज हंसराज जोशन को फाजिलका के लिए अकाली दल की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें अकाली दल ज्वाइन कराया गया और उम्मीदवारी घोषित नहीं करी गई। और इस मौके क्या हुआ ये सब जानने के लिए जलालाबाद से हमारे पत्रकार कृष्ण टिवाना व रिंकू कुमार की रिपोर्ट। सवेर का मैनू कई जगह तो बड़े मैसेजेस आए हैं कि बहुत वधिया गल हो रही है कि जोशन साहब श्रोमणी अकाली दल में शामिल हुए हैं। मेरा संबंध इन्हां नाल उदों ही शुरू होया जदों मैं इत्थे इलेक्शन लड़न लग्गिया। आ जिहड़ा हलका है मैनू इस हलके ने बड़ा मान दिता ते मैं कह सकता है कि मेरी कोशिश रही है जलालाबाद हलके नूं मैं वधिया बनावा। समा 5-7 साल सी जदों मैं डिप्टी सीएम सी ते मेरी कोशिश सी थोड़े सुपने पूरे कर सका। काफ़ी हद तक मैं कीते भी है, कई चीज़ां रह गईं बा वह भी काम नेड़े आ गया पूरे करन वास्ते। हर पार्टी नूं चाहिए चंगे बंदे पार्टी चाहुण ताहीं उह पार्टी अगे वधदी है। मेरी कोशिश हुंदी है कि मैं हर पार्टी तो जिथे जिथे हीरे है उन्हां नूं चक के अपने कोले लैके आवां। सरदार सुखबीर सिंह जोशन साहब नाल सरदार सुखबीर सिंह प्रधान और पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे ने दो बार सरदार सुखबीर सिंह बादल जी और उन्होंने नाल विशेष तौर पर आए हुए साढ़े श्रोमणी अकाली दल के लीडर साहबान सरदार जगमेजा सिंह शेखो जी दो बार पंजाब के वजीर रहे ने और उन्होंने नाल साढ़े जिन्ने इतने बिराजमान अशोक नेजा जी प्रेम मलेचा जी मंटू वोरा जी शिव त्रिपालके जी बलदेव जी ओम प्रकाश जी मंटा जी और साडे प्रधान जी हुणे स्टेज नूं कंडक्ट कर रहे सरदार बलविंदर सिंह जी डॉक्टर राज सिंह जी जो हुणे इलेक्शन लड़ के गए ने बब्बू जैमल वाला जी सरदार दर्शन सिंह जी जो मोठा वाले दे साडे इस इलाके दे एस जी पी दे मैंबर ने ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹਦਾਰ ਫਤਿਹ ਦਵਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
अज सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जो विशेष तौर पर जो उन्होंने प्रोग्राम इतने बंदी वाले बनिया, मैं सब तो पहला क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने उन्होंने वेलकम करना, उन्होंने जी आया कहना, और खास तौर पर क्योंकि इस परिवार का पिछोकड़ मैं अजे याद है कि साढ़े नाल के पिंड है इतने बादल साहब वो तो कि उत्थे 12 जमातों का स्कूल है। जो प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने और उस वेले मैं सतवीं जमात के उसे पढ़ाई करता सी और उस वेले आ कीड़िया वाली साढ़े बुद्धों की आए और उस वेले इन्हों पिंडों में अज तो तकरीबन 45 साल पहले की गल कर रहा 50 साल की उस वेले पद उत करके गया सी और उन्होंने तक ही नहीं इन्होंने इस परिवार ने इस देश के वास्ते क्योंकि देश के वास्ते मैं कहूँगा जदों कित भी देश को लौड़ हुई और इस पंजाब सूबे की चढ़ती पंजाब सूबे के वास्ते और इस पंजाब नूं और इस परिवार ने जिहड़ी सेवा की सरदार प्रकाश सिंह जी बादल उन्होंने नाल मैं बतौर MLA भी काम करने का मौका मिलिया और मैं पंजाब का कैबिनेट मिनिस्टर से और उस वेले सरदार प्रकाश सिंह बादल असी उन्होंने बच्चों के समान हाँ और उस वेले मैं उन्होंने बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन मैं उन्होंने एक बार ही नहीं उत्थे मैं सैकड़े बार उन्होंने दर्शन किए ने क्योंकि यहोजी शख्सियत परमात्मा ने जो पैदा कीतिया ने और लोगों की सेवा के वास्ते लोगों को अपने आप सर्व करने के वास्ते ये परमात्मा ने इन्हों वाहगुरु अकाल पुरख ने पैदा किया। रिश्ते वधाई दे हुंदे है, दुश्मनी नहीं वधाई दी हुंदी। तुसी झूठा केस कर दोगे जिवें हुण आ जिहड़ा आमला है अकड़की रहा 24 घंटे झूठे परचे इहदे परचे इहदे मैं लगता है अखीर च कोई साडा वर्कर बचना नहीं जिहदे झूठे परचे ना हो। पर जे हुण उहने कराते 8 महीने बाद किधर भज के जाऊगा फिर आ सोचते हैं कि हुण असीं सरकार च आ गए हुण पूरी जिंदगी सरकार च रहांगे। आमला साहब थोनू सरकार च बनाउण वाले भी आ लोग बैठे तो लाउण वाले भी आए बैठे है। इस करके मैं जलालाबाद वाले तो सारे फाजिलका तो भी आए है सारे लोग आए हूँ तो मैं पार्लीमेंट मैं थोड़ा नुमाइंदा मैं फिरोजपुर तो लैके सारे का नुमाइंदा है तो साड़ी परिवार थोड़ी पक्की सेवा करता रहूँगा मैं समाज ज्यादा। एंड आ जो बॉर्डर का जिले है तुम देखियो ना जदों की अपनी सरकार आई है किमें इस इलाके तरक्की आई है किमें जिले बने किमें चीज़ा आने लग गई उदों का मैं अद्धी झंडी सी हुण जो पूरी लवा दोगे फिर तो तुम्हें पता नेरी लिया दूंगा मैं कम्मा ने। तो इस करके मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं हुणी चंडीगढ़ पहुँचना है मैं जलंधरों आया सी ते हुणी चंडीगढ़ पहुँचना है। मैं जोशन साहब नूं क्योंकि साढ़े शामिल हो रहे हैं मैं इन्हों पार्टी का जनरल सैकटरी जो सा बहुत टॉप की पोजिशन है श्रोमणी अकाली दल का जनरल सैकटरी मैं ऐलान कर रहा तो दूजी गल तो जोशन साहब तैयारी कर लो इलैक्शन लुक्शन भी होगी हुंदा रह गए 7-8 महीने आप इलैक्शन लड़ावे तो तकड़े होके आपां हुण सरकार बनानी है निशाना बना लो कांग्रेस तो खेड़ा छड़ा जिस मैं हूँ थोड़े सामने लगने लगता पर फिर भी यार कैप्टन तो निकम्मा मुख्यमंत्री नहीं पंजाब में मिल सकता जिहड़ा 4 साल हो गए निकले ही नहीं करो हुण तुसीं जानदे हो मैं उप मुख्यमंत्री होंदा सी बादल साहब मुख्यमंत्री होंदा सी हर दूजे हफ्ते थोड़े कोल होंदा सी तुहानूं तो तकलीफ तुसीं कहिंदे जी आह चाहिए मैं चक्को आह चाहिए चक्को आह कम कर लो आज दिखाई नहीं दिंदा। इस करके मैं थोनू आई बेनती करदा सारे आपां परिवार हुण इकट्ठे हो रहे हैं वड्डे हो रहे हैं तो तकड़े होकर निशाना एक लाइए श्रोमणी अकाली दल की सरकार लाउणी है ताही वो अपन सारे सुपने पूरे होंगे तो मुश्किल हल होनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। ABN न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज़ चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।